ईश्वर जगत को एत प्रेम कले जे से निजर एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरी जे कही ताहांगटारे विश्वास करे से अनंत जीवन लाभ करिबो। जय जीशु। मोर प्रिय भाई और भौनी माने आयुब ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या एक मातृगर्भ उल्लग्न अवस्था मुसली उल्लग्न अवस्था मु फेरी जी प्रभु देले प्रभु ने नाम धन्य मोर प्रिय भाई और भौनी माने आम जीवन रे सब वेले सब विषय गुड़िक आम जो प्रकार आम प्लान करोजना करुसार होती कि ग्यारंटी ना बारंबार आम जीवन जथेष्ट दुख अभाव असुविधा कष्ट एगुड़िक गोटे पर गोटे आम जीवन में जथेष्ट रोच बारंबार आम निज निजक प्रश्न पचार कहीं मोर जीवन एमती होना मु जड़े भल लोक मु जड़े भल क्रिश्चियन मुमती करगुड़ सब है मो जीवन कहीं एमती होम जीवन भल मनुष्य मान जीवन किसी ना कि मंद कार्य गुड़िक भल नार्जगुड़िक गठला बेले से मानकर हिजाब गुड़िक प्लान योजना उल्टा पुल्टा सब हेला बेले से जीवन से प्रत्युत्तर कौन हो आज आम जीवा आयुब ग्रंथ आयुब तंग जीवन विषय आज आम टे ध्यान करवा आयुब प्रथम अध्याय आयुब परिचय से निर्दोषी आतनिष्ठ थे से ईश्वर प्रति भयभक्ति प्रदर्शन एवं मंद कार्य विमुख हो जीवन जापन करुले माने जड़े भल लोक जड़े भल लोक आर धन सम्पत्ति जथेष्ट प्रथम तांगटार सात जन पुत्र आन जन कन्या जात हेले एबे तांगर सात हजार मेष तीन हजार अट पांचश जन बलद सी गोटे पर गोटे माने बेशी धनी व्यक्ति हेले ईश्वर दृष्टि से जन धार्मिक व्यक्ति ईश्वर ताकु जथेष्ट अनुग्रह आशीर्वाद मध्य धन सम्पत्ति रे ईश्वर ताकु आशीर्वाद कर आयुब ग्रंथ में आग कमे जीवा बेले देखा पाइबू प्रथम अध्याय पद संख्या छ रे दिने ईश्वर निकट रे सकल स्वर्गवासी माने एकत्रित हेला बेले से मझीरे शैतान मध्य सेमती आका लेखा हो शैतान को देखला बेले ईश्वर ताक पचारे तुम्हें कड़े थी कूटी आसुचु आईतान उत्तर मुझे पृथ्वी टे बुलाबूली पाई सब जाने तेने भूलि एवं मुझे फेरी आसी से ईश्वर ताक पचारे पृथ्वी बुलवा बेले मोर दास आयुब को तुम्हें देख लो कि एमती का जो धार्मिक व्यक्ति ईश्वर को पूजा अर्चना कर जो व्यक्ति कते बढ़िया लोक तुम्हें ताक देख लो कि जीवनी कते बढ़िया से पद संख्या नौ शैतान ईश्वर को पचार से कौन एत आश्चर्य हबार कौन हो अपना था को जदेश आशीर्वाद कर बढ़िया गोटे पर सात जन पु तीन जन झी गाई गोरु एटा मान से समय धन सम्पत्ति
गाई गोरु मेंढा इत्यादि एगुड़ी सब यथेष्ट एगुड़िक सब देलाबेले काईक अवसे सब बेले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से कहबे नाही सेटा तो आम जीवन मध्य मोर भाई भौणी माने जितेबाला सदाप्रभु भगवान को सबकि देलाबेले परिवार ठीक अच्छे स्वामी ठीक अच्छे स्त्री ठीक अच्छे संधारगण ठीक अच्छे बड़ गोटे घर अच्छे चाकरी अच्छे एटा अच्छे सेटा अच्छे सेतबेला आमे मध्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे कहि शैतान ए समान प्रश्न आका ईश्वर को पचार आश्चर्य हबार कि नापर शैतान ईश्वर को कहले आज्ञा तांगरे धन संपत्ति आपड़ दे दान गुड़िक हाथ रख माने से गुड़िक खाड़ी नि देखिए बर्तमान जो व्यक्ति आपणकर स्तुति वंदना प्रशंसा करे चंदी से व्यक्ति आपणकर अभिशाप करिवे ईश्वर कहिले होम ठीक अच्छे तांगरो पूरा पूरी तांगरो धन संपत्ति उपरे तारो अधिकार तुमको दिखाई जहा अच्छी जहा तुम भावच ठीक अच्छे कर हेले देखंदु ईश्वर आयुब तांगर दास गोटे टेस्ट परीक्षा पाई अनुमति देले से ईश्वर भल व्यक्ति हेले मध्य परवर्ती वाक्यटार आयुब ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या 13-19 जाए आंभ मान देखा पाए तांगर जहाँ सब धन संपत्ति थिला सब ताहा चेली हेउ मेंडा हेउ बळद हेउ ओट हेउ जहाँ सब अच्छे सब गोटे पर गोटे नष्ट हेबार बिवरणी आका भगवान देखा पाए आयु 1:13-19 जाए मात्र नुहे तांगर 10 जन पिला माने जन भाईर घर रे भोजी पाई बसला बेले एकातर से मृत्यु होगा माने आयुबंगर जहाँ सब थिला सब क्षणिक मात्रे नष्ट होगा देखंदु खेले ईश्वर शैतान को पचारे ना मोर दास के बढ़िया लोक शैतान पचारे से किसी आश्चर्य हबार विशेष किसी ना आपण ताको आशीर्वाद धन संपत्ति सब जथेष्ट देइछन्ति तेणु करिया से ईश्वर कहले हम ठीक अच्छे तुमको जहाँ करिवार अच्छे कर धन संपत्ति देख तो मोर भाई भौणी माने आम जीवन एमती टेस्ट हेबो परीक्षा हेबो एगुड़ी सब टेस्ट ईश्वर का पकाउं से ना मन कर पे मेट्रिक परीक्षा किए माँ बाप मैंने परीक्षा पकाउं ना सरकार बा एजुकेशन डिपार्टमेंट किंतु माँ बाप मैंने परमिशन दे कौन पाए मेट्रिक परीक्षा पास का प्लस 2 से पास का प्लस 3 समान आम जीवन मध्य बेले बेले एमती ईश्वर आंभ मान को दे दान गुड़िक जहाँ सब ईश्वर दे गोटे पर गोटे से खाड़ी पारे आम पाए गोटे टेस्ट आयुबंग जीवन ताले शैतान जो ए बाबू कौन एवं कर देखु थीट धन संपत्ति सब नष्ट तांगर संतान गण जड़े भी रहा ना 10 जन पिला मृत्यु गोटे दिन में गोटे मिनिट्रे आका किंतु आयुबंगर प्रत्युत्तर कौन थी सेत से कहले आयु 1:21 उल्लग्न अवस्था मु मातृगर्भर आसली उल्लग्न अवस्था मु फेरी जीवी प्रभु देले प्रभु नेले
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆମେ କ'ଣ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ କିଛି ଆଣିଲୁ କି କିଛି ଆଣିନି କିଛି ଆଣିନି ଏଠାରୁ ଫେରି ଯିବା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ନେବ କି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କିଛି ନେବ ନାହିଁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ 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 ତାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା କି ଦରକାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେଣୁ ଏହି ଆୟୁବଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ସେ ପାସ୍ କଲେ ଆଉ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଧ୍ୟାୟ 42 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 12 ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଆଗରେ କେମିତି ଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବେ ସନ୍ତାନ ହେଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ ସବୁଆଡ଼େ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଉ ଥରେ ଫେରସ୍ତ କଲାବେଳେ ଆମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବେଶି ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆୟୁବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆୟୁବ 1:21 ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆସିଲି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଜୟ ଜୀସସ୍